हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 1 से 7 मार्च 2021। तो 1 to 7 मार्च 2021 के जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये वीकली करंट अफेयर है आपका। आप हमें यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नंबर पे आप ज्वाइन लिख के भेज सकते हैं। फेसबुक ग्रुप हमारा है, पेज है, सब है। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च करंट अफेयर देखेंगे पहले। हाल ही में मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है गुलब कोठारी। कौन है? गुलब कोठारी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 8 मार्च को मां समृद्धि महिला शक्तिकरण योजना शुरू करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार करेगी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। हाल ही में यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष और सीटीओ किसे नियुक्त किया गया है? शरद गोकलानी को किया गया है। हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? -7% का। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक का एक बैच प्राप्त करने वाला पहला देश है? तो वो है दाना। कौन सा देश है? दाना देश। हाल ही में किसे 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशनल फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो वो है प्रोफेसर उत्तमा लहरी। हाल ही में कौन नाइजर देश का नया राष्ट्रपति बना है? तो वो है मोहम्मद बेजम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पीएम एफएमई योजना शुरू की है? तो वह है मणिपुर के। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। क्या किया है? पीएम एफएमई योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना शुरू की है? तो यूपी राज्य ने यह शुरू की है। उसके बाद आप क्विज रहेगी। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च हाल ही में किसे सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पीएम मोदी को किया जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अहमदाबाद को किया जाएगा, जहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा बैठक क्षमता वाला स्टेडियम है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने होम डिलीवरी राशन योजना की शुरू की है? तो दिल्ली में ये शुरू किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। हाल ही में एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है -8%। हाल ही में किस संस्था द्वारा स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो वो है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स द्वारा। हाल ही में कौन सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो वो है रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो केरल में किया गया था। कहां पे किया गया था? केरल में। हाल ही में COVID-19 प्रबंधन के लिए किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है अयोध्या जिला।
हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है तमिलनाडु में। क्या किया गया? एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन। अब कीज हाल ही में कौन लेविस की कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? तो लेविस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं, 3 मार्च का देखते हैं करंट अफेयर। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने 24वें उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और यूक्रेन में कोच मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है विनेश फोगाट ने। किसने जीता है? विनेश फोगाट। हाल ही में कौन किलिमंजारो पर्वत पर फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी? तो वो है कडापाला ऋत्विका श्री। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। हाल ही में इंडिया स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट पुस्तक किसने लिखी है? तो स्निग्धा पूनम ने लिखी है। हाल ही में फरवरी 2021 में किसने द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने किया था। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी के मानद फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? वेलचेरू नारायण राव को। तो साहित्य अकादमी की मानद फेलोशिप के लिए इनको चुना गया है। हाल ही में किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तरुण बजाज को ये दिया गया है। हाल ही में पुस्तक ग्रेमिंस ऑफ स्टारडस्ट के लेखक कौन है? विस्मया मोहनलाल है। कौन है? विस्मया मोहनलाल। हाल ही में किस देश में 2021 में ब्रिक्स द्वितीय निगम की पहली बैठक की अध्यक्षता की? तो भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सीताराम कुंते को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में। अब आपकी क्विज रहेगी, हाल ही में टाटा इनोवेशन फेलोशिप 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं, 4 मार्च करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया था। क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन। हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मतम वेंकटा राव को किया गया है, MV राव को। हाल ही में RBI ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 10.5% लगाया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है अनिंदिया दत्ता ने। हाल ही में इसरो ने किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ब्राजील का अमेजोनिया 1 जो है उपग्रह वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य हीरो इंडियन महिला लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा करेगा। हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो सेवा शुरू की गई है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में ये सेवा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हर साल वीर चिलराई दिवस मनाया जाता है? तो वो असम में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है? तो वह है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में
नियुक्त किया गया है। खास नाम याद रखिएगा, अरुण कुमार सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए क्विज है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 5 मार्च करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मैरी कॉम को। खास याद रखिएगा, किसे, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, श्री जयदीप भटनागर को किया गया है। हाल ही में किसे केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो VP जोई को नियुक्त किया गया है। किसे, VP जोई। हाल ही में किस फिल्म ने 76वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता है, तो नोमैडलैंड ने जीता है। किसने जीता है, नोमैडलैंड ने। हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आर हरि कुमार को किया गया है। किसे, आर हरि कुमार। हाल ही में भारत ने BARC द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरापी मशीन किस देश को दान की है, तो मेडागास्कर को ये दान की गई है। हाल ही में IAF एरोबेटिक डिस्प्ले टीम किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेगी, तो वो श्रीलंका में भाग लेगी। हाल ही में किस कंपनी ने महासागर प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है, तो वो है HP कंपनी ने। तो महासागर में से जो प्लास्टिक का कचरा निकला है उसमें से पहला कंप्यूटर बनाया गया है HP कंपनी द्वारा। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है मनप्रीत वोहरा। कौन है, मनप्रीत वोहरा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में SC बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, श्री विकास सिंह। कौन बने हैं, श्री विकास सिंह। अब देखते हैं क्विज। हाल ही में कौन सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं, 6 मार्च का करंट अफेयर देखें तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू की है, तो सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया है, व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू की है, तो याद रखिएगा। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो वो है विराट कोहली। तो इंस्टाग्राम पे इसके 100 मिलियन फॉलोवर्स है। हाल ही में किस देश ने पहली बार UAE के राजदूत का स्वागत किया, तो इजराइल ने स्वागत किया था UAE के राजदूत का। हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया, तो थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया था। किसने, थावरचंद गहलोत ने। हाल ही में कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया जाएगा। हाल ही में बिकॉल इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राम माधव। कौन सी पुस्तक है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, तो याद रखिएगा किसकी पुस्तक है, राम माधव की। हाल ही में किस देश ने अर्कटिका M नामक उपग्रह लॉन्च किया है, तो रूस देश ने यह लॉन्च किया है। किसने किया है, रूस ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक यानी DG के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तो वो था, किसे दिया गया था, कुलदीप सिंह को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर की पहचान चेलिक नामक योजना शुरू की है, तो उत्तराखंड ने की है। क्या की है, घर की पहचान चेलिक।
अब क्विज का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आगे देखते हैं, 7 मार्च करंट अफेयर, हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों पर छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो है केरन पोलार्ड। कौन है? केरन पोलार्ड। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने यह शुरू की है, व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा, तो एक्सिस बैंक ने भी ये शुरू की है, याद रखिएगा। हाल ही में किस शहर ने नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे ऊपर है इंदौर। किसने किया है? इंदौर ने। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर पी गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर ने यह हासिल किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह है चीन। चीन में सबसे ज्यादा अरबपतियों है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने यह शुरू की है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो 10 देश जो है वो पूर्ण समान अधिकार देते हैं। हाल ही में किस वर्ष तक देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा? तो 2023 तक इसका टारगेट रखा गया है। हाल ही में IGBC की रेटिंग के अनुसार कौन सा महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। हाल ही में जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? तो सबसे अधिक रहने योग्य है बेंगलुरु। अब क्विज, हाल ही में पुस्तक ग्रेनिंस ऑफ स्टारडस्ट के लेखक कौन है? तो ग्रेनिंस ऑफ स्टारडस्ट किसने लिखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो क्विज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर देना ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। दूसरी बात, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए, वीडियोज में जाइए और सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज भी देख सकते हैं। इसकी PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और PDF में ऐसा जो लास्ट में ये सब दिया होगा है, YouTube पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहुँच जाएंगे, ये PDF में पहुँचेगी, यहाँ पे नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो आप ये सब कर सकते हैं। फिर फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको ये बहुत ही यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।